हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बेकार कपड़े की मदद से बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक बेकार कुर्ती का यूज़ किया है जो कि छोटी थी, तो इसको मैंने कट किया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो चौक वाला साइड होता है वो हमें कट कर लेना है, और ये लेस वाला जो एरिया है वो हमें निकाल देना है। तो दोनों साइड से मैंने लेस निकाल दी है और ये चौक वाला एरिया मैंने ले लिया है। इसके बाद हम एक पीस लेंगे और ये जो मैंने लेस निकाली हुई थी वो हमें इसको यहाँ पे 3 इंच या 2 इंच छोड़कर स्टिच कर लेना है। और इसके बाद हमें दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमें इसमें 3 साइड से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से हम इसको भी कम्प्लीट कर लेंगे और इसको अब हम एक साइड से सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सीधा कर लिया और इसके बाद अब हम यहाँ पे फिलिंग कर लेंगे। तो फिलिंग करने के लिए आप बेकार कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, बेकार कॉटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है और उसके बाद फिर से अब हम यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ऐसे दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए ये मैंने स्टिचिंग कर दी है पूरी। और अब हमें यहाँ पे जो दूसरे साइड से मैंने लेस कट की थी, ये वाली जो मैंने लेस कट की थी वो हमें ले लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक साइड से इसकी स्टिचिंग लगा दी है और अब हमें सुई धागा लेना है और चारों तरफ से हमें सुई धागे से स्टिच कर लेना है। और ऐसे राउंड राउंड स्टिचिंग करते हुए हमें पूरा इसको धागे को खींच देना है जिससे कि ये एक फ्लावर शेप का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरा इसको एंड स्टिचिंग तक यहाँ तक लाना है और फिर उसके बाद हमें धागे को खींच देना है। तो इससे ये इस तरीके का फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हमें इसमें एक स्टोन लगा देना है। तो देखिए ऐसा ये फ्लावर बन जाएगा और मैंने यहाँ पे एक स्टोन लगा दिया है तो ये कंप्लीट हो गया है। और अब हमें इसे इस तरीके से साइड में ज्वाइंट कर देना है सुई धागे की मदद से। तो ये ब्यूटीफुल सा हमारा कुशन बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हमें जो ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था जिसमें ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से हम ये स्टिचिंग वाला पार्ट कट करेंगे और इसके बाद हमें सेम ऐसे दोनों साइड से हमें सुई धागे से इसको उल्टा कर लेना है पहले, और फिर सुई धागे से एक साइड से हमें इसकी चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो सुई धागे से ही हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे पूरा चारों तरफ से, और उसके बाद धागे को खींच के इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ से टाइट करने के लिए धागे को हम खींच देंगे और फिर हम इसको नॉट लगाकर अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये हो गया है ऐसे। और ऐसे करते हुए हम धागे को अच्छे से टाइट पकड़ लेंगे। उसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करने के लिए आप रुई का या बेकार सॉफ्ट दुपट्टे का, कोई भी बेकार कपड़े का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट दुपट्टा डाला हुआ है और इसके बाद अब हम इसकी दूसरे साइड से भी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे करते हुए हम इसको दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेंगे और फिर इसको खींच देंगे। इसको खींचने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टोन लगा देंगे। तो ये हमारा राउंड एंड स्क्वायर पीस का कुशन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी डिज़ाइन लग रही है। और ये हम वेलवेट के या बेकार कपड़े की मदद से, अगर आपके पास कोई भी पुराना वेलवेट हो या बेकार कपड़े हो तो आप इस तरीके से DIY कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बनाएंगे वो भी वेलवेट के ही कपड़े से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ किया है और ये वाली डिज़ाइन भी आई होप आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पीस कपड़ा कट कर लिया वेलवेट का। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
कटिंग करने के बाद हमें इसको एक स्क्वायर पीस में ले लेना है और बीच से हमें ऐसे दो बार फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे चॉक और यहाँ पे बीच में हम बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ हमें कैसे करना है, कॉर्नर के एक साइड से और दूसरे कॉर्नर के दूसरे साइड से। तो जैसे ये वाले कॉर्नर के इस साइड से है, तो इस ये वाले कॉर्नर के इस साइड से हमें डिज़ाइन को बना लेना है। तो ऐसे हम कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड से करेंगे, ऐसे करते हुए क्रॉस कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम इधर से भी करेंगे, दोनों हम क्रॉस कर लेंगे। ऐसे करते हुए पूरा हम इसको फिलिंग कर लेंगे। तो ऐसे करते हुए पूरी हम इसकी फिलिंग कर लेंगे और ऐसे हम लाइन को बनाते जाएंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट करने के बाद बीच में मैंने ऐसे निशान बना दिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा गोटा पट्टी और यहाँ पे हमें चाहिए होगा बॉबिन। तो गोटा पट्टी को सिंपली हमें बॉबिन में फिल कर लेना है और उसके बाद हमें इसे पूरा अच्छे से इसमें फिल कर लेना है। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें लेना है बॉबिन केस। बॉबिन केस को थोड़ा सा लूज कर लेना है जिससे कि इसमें से गोटा पट्टी अच्छे से इन हो जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसके बोल को ढीला करेंगे और इसके बाद हम बॉबिन को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ईज़िली ये गोटा पट्टी हमारी चली जाएगी इसमें। अब हम मशीन में इसको ऐसे ही लगा लेंगे जैसे कि हम धागे में लगाते हैं। ऊपर की ओर हमें थ्रेड रखना है और हमें सिलाई को बड़ा रखना है। तो बस अब हम इसकी स्टिचिंग करते जाना है। यहाँ कॉर्नर से हमें आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं या तो बीच के सेंटर से आप इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस हमें सिंपली इसको स्टिच करते जाना है। बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई होगी और बहुत ही अच्छी आपकी डिज़ाइन बनकर रेडी होगी। वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए ये हमारे उल्टे साइड में धागा आ गया और सीधे साइड में हमारी गोटा पट्टी आ गई। तो देखिए ये इस तरीके की डिज़ाइन बनकर रेडी होगी। तो पूरा अब मैं कंप्लीट सिलकर आपको दिखाती हूँ। ऐसे करते हुए हम पूरा इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए हम पूरा इसको लाइन बाय लाइन स्टिच करते जाएंगे। तो जिससे कि ये बनकर पूरा देख सकते हैं इस तरीके की डिज़ाइन चारों तरफ से रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। अब बीच के सेंटर के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए होगा सेम कलर का और उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें सुई धागे की मदद से इसको एक फ्लावर बनाकर रेडी कर लेना है। दोनों साइड से फिर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है और ये हमारा एक फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको हम ओपन कर लेंगे और बस बीच के सेंटर में हम कोई भी स्टोन वगैरह लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाकर ये फ्लावर रेडी कर दिया है जिसे हमें लगाना है बीच के सेंटर में। अब आप चाहे तो इसे कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या कुशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुशन बनाना है तो आप पूरा कंप्लीट कपड़ा लगा सकते हैं बैक में। अगर आपको कवर बनाना है तो आप इसको बीच से हाफ़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने दो पीस में कपड़े को कट किया है और यहाँ पर हम एक साइड ऊपर की ओर एक साइड नीचे की ओर लगाकर इसको कवर कर देंगे जिससे कि एनवेलप कवर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे और ये देखिए बनकर रेडी हो गया हमारा एनवेलप कवर। तो इस तरीके से आप इसमें कुशन डालकर इसको बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, गेस्ट एरिया में, कहीं पर भी आप इसको अपने घर को सजाने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। तो देख सकते हैं बेकार कपड़ों की मदद से मैंने तीन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई है। तो आई होप आपको पसंद आएगी और इस तरीके से आप बेकार कपड़ों की मदद से घर को सजा कर रेडी कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाख ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।